हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, 12th स्टेटिस्टिक्स उसके दो पार्ट्स है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में आपके चार चैप्टर्स है और पार्ट टू में पांच चैप्टर्स है। आज हम पार्ट वन में से चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर वन से लेके फोर के एटलीस्ट नेम पता होने चाहिए कि पार्ट वन के अंदर पहला जो चैप्टर है वो है इंडेक्स नंबर, सेकेंड चैप्टर है आपका लीनियर कोरिलेशन, थर्ड है लीनियर रिग्रेशन और फोर्थ है टाइम सीरीज। ये चारों चार चैप्टर 12-12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर टू लीनियर कोरिलेशन, इसमें से स्टूडेंट्स एक एक मार्क के दो क्वेश्चन, दो मार्क का एक क्वेश्चन, तीन मार्क का एक क्वेश्चन और पांच मार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल 12 मार्क का ये चैप्टर है, चैप्टर है लीनियर कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, वैसे तो स्टेटिस्टिक्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन ही स्टार्ट होता है, लेकिन हम पहले थोड़ी सी थियरी समझते हैं जिससे कि आपको चैप्टर का ओवरऑल व्यू पता चले, फील आए कि भाई हमें पढ़ना क्या है। वी विल स्टार्ट विथ कोरिलेशन, के कोरिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यानी कि संबंध, किसी के साथ भी रिलेशन किस तरीके का है वो हमें पढ़ने के लिए उसका कॉज और इफेक्ट पता होना जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉज इफेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ का रिलेशन अगर हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो आप एक्सपेंडिचर ले लो, सेविंग्स ले लो, जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ता है सेविंग घटता जाता है। तो हमारे डेली लाइफ में भी कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कॉज है, तो उनमें से एक को हम कहेंगे कॉज और एक को कहेंगे इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ता है सेविंग्स क्या होती है? कम होती जाती है। तो आपका एक्सपेंडिचर है उसे हम कहेंगे वो एक कॉज है और आपकी सेविंग क्या है? इफेक्ट है। तो इसे हम कहेंगे कॉज इफेक्ट। तो कोई भी दो वेरिएबल जिनके बीच का हम रिलेशन पढ़ रहे हैं उनके बीच में चेंजेस मिलने वाली है। कोई भी दो वेरिएबल्स, कभी भी दो वेरिएबल्स स्टेबल नहीं रहेंगे। टाइम के साथ साथ प्राइस ले लो, सप्लाई ले लो, डिमांड ले लो, रेनफॉल के साथ साथ क्रॉप का प्रोडक्शन ले लो, है ना, एजेस ले लो, तो ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ क्या होती है? चेंज होती है। तो उनके चेंज होने के मेजर दो रीज़न है, एक है डायरेक्ट कॉज, एक है इनडायरेक्ट कॉज। एक है डायरेक्ट कॉज, एक है इनडायरेक्ट कॉज। डायरेक्ट कॉज किसे कहेंगे हम? कि अगर वो दोनों के बीच में कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन है। कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन मैंने अभी आपको समझा दिया। कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन मीन्स क्या? कि भाई दोनों के अंदर कोई एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ पे इफेक्ट आ रहा है। अगर आप रेनफॉल ले लो और जो फार्मर्स का यील्ड होता है, प्रोडक्शन होता है, वो ले लो, तो जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ेगी वैसे वैसे यील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे रेनफॉल क्या है? कॉज है। और यील्ड क्या है? आपका इफेक्ट है। तो कॉज इफेक्ट, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट इफेक्ट। अब कई मरतबा स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। दो वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस तो आते हैं लेकिन वो चेंजेस एक दूसरे की वजह से नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज रेनी सीजन आई और आप रेनकोट लेने गए, तो जाहिर सी बात है रेनी सीजन में रेनकोट का मार्केट अप हो जाता है, रेनकोट की सेलिंग क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और अगर साथ साथ में आप टू व्हीलर के प्लास्टिक सीट कवर्स देखो तो उसकी सेलिंग भी बढ़ जाती है, है ना स्टूडेंट्स। रेनफॉल के आने की वजह से या मॉनसून सीजन की वजह से आपका रेनकोट का जो मार्केट था, सेल था, वो बढ़ा, और साथ साथ में जो टू व्हीलर के प्लास्टिक के सीट कवर्स है उसका सेल भी बढ़ गया। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन था? क्या ऐसा है कि रेनकोट जो खरीदेगा वो प्लास्टिक सीट कवर भी खरीदेगा? नहीं ना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये दोनों के दोनों बढ़ेंगे या तो घटेंगे, किसकी वजह से? मॉनसून सीजन की वजह से। तो यहां पे जो इन दोनों के बीच में चेंजेस आ रहे थे, रिलेशन बन रहा था, वो किसी थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बन रहा था, जो था मॉनसून। जैसे ही मॉनसून चला जाएगा दोनों का सेल भी कैसा हो जाने वाला है? डाउन होने वाला है। इसीलिए बहुत ही सिंपल शब्दों में कोई भी वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस के दो ही रीजन है,
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट चेंज, या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनके बीच में चेंजेस आ सकता है। अब ये जो चेंजेस आ रहा है स्टूडेंट, उसी को तो हम कहते हैं कोरिलेशन। उनके बीच में एक संबंध बन रहा है, एक चीज बढ़ने पे दूसरी घट रही है या एक बढ़ने पे दूसरी बढ़ रही है, इसको तो हम कहते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की डिफाइन क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर साइमल्टेनियसली किसी भी दो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब प्राइस, डिमांड, सप्लाई, एक्सपेंडिचर, ये जितनी भी हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट ऑफ मटेरियल, इन सबको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो जो दो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज में चेंज आएगा और वो चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? इफ देर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, उन दोनों की वैल्यूज के अंदर चेंजेस आ रहा है। चेंजेस क्यों आ रहा है? या तो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट की वजह से या तो इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट की वजह से, तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल्स कोरिलेशन में है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको कोरिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार डिफाइन लर्न कर लेते हैं। इफ देर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आइदर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, देन सच अ रिलेशन वी विल कॉल इट कोरिलेशन। अब स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन तो हम समझ गए, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, साइंस की कई सारी चीजों में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे टाइम बढ़ता है। अगर कोई ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो टाइम भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर आपका सर्कुलर ग्राउंड बड़ा है तो उसका सर्कमफेरेंस भी बड़ा होगा। इट मींस साइंटिफिकली हमारे डेली लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें मैथ्स में आती है जिनका ग्राफ प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हमने जो वेरिएबल्स पढ़े, दो वेरिएबल्स, एक्सपेंडिचर ले लिया और सेविंग ले ली, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग इनकी वैल्यू का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, एंड इफ माय ग्राफ इज नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन तो मैं उस रिलेशन को कहूंगा लीनियर कोरिलेशन। सो व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन? दैट व्हेन इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ बोथ द वैल्यूज वी आर गेटिंग नियरली अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ना मिले, थोड़ी थोड़ी नियरली स्ट्रेट लाइन भी मिलती है, इस तरीके से पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो भी नियरली एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। तो स्टूडेंट, आगे जो भी पूरा चैप्टर होगा, बार बार मैं वर्ड लीनियर यूज नहीं करूंगा, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे कोरिलेशन, आपको समझ लेना है कि ये लीनियर कोरिलेशन के बारे में बात हो रही है। अब स्टूडेंट, कोरिलेशन यानी कि लीनियर कोरिलेशन दो टाइप के है, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे? कि आपके दोनों वेरिएबल्स में चेंजेस एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे? व्हेनेवर चेंजेस आर अकरिंग इन सेम डायरेक्शन देन वी विल से सच अ कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, फॉर एग्जांपल आपका रेनफॉल ले लो और यील्ड ले लो। यील्ड यानी के जो फार्मर का जो खेती बाड़ी का प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा, वो जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ता है वैसे वैसे यील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसे हम कहेंगे रेनफॉल और यील्ड, ये एक पॉजिटिव रिलेशन में है। अब प्राइस और सप्लाई ले लो। क्या ले लो स्टूडेंट्स? प्राइस एंड सप्लाई। कोई भी चीज का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, सप्लाई भी बढ़ता जाता है। स्टैंडर्ड 11th में आप पढ़ चुके हो। अब व्हीकल ले लो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ले लो। जैसे जैसे रोड पे गाड़ियां बढ़ती जाएगी, व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या होने वाले? बढ़ने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को हम कहने वाले हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन में है। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में है। नाउ इफ यू मूव टू नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन इसका टोटली उल्टा है कि इफ द वैल्यूज ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर चेंजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और इन सिंपली व्हेनेवर चेंजेस अकर इन अपोजिट डायरेक्शन देन सच अ कोरिलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में हमने लिया आपका एक्सपेंडिचर एंड सेविंग।
किसी पर्सन का डेली एक्सपेंस या मंथली एक्सपेंस बढ़ता जाता है तो उसकी सेविंग क्या होती जाती है, घटती जाती है। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते ही हो। तो नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, दो टाइप के कोरिलेशन हमने पढ़े। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर आगे मूव करें तो ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि भाई दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है, तो वो कोरिलेशन कैसा है, कितनी हद तक है, उस कोरिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया रेनफॉल और यील्ड, तो ये तो सिर्फ इतना बताता है कि रेनफॉल बढ़ने पे आपका यील्ड, आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, बट कितना। अगर रेनफॉल थोड़ा सा बढ़ा, मैं इसको अगर इस वर्ड में कहूँ कि 100 ग्राम रेनफॉल, थोड़ा सा 100 ग्राम रेनफॉल बढ़ा, तो क्या यील्ड भी उतना ही बढ़ेगा या कम बढ़ रहा है। तो रेनफॉल बढ़ने पे यील्ड तो बढ़ने वाला है, लेकिन यील्ड कितना बढ़ेगा वो मुझे फाइंड आउट करके देगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टूडेंट्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें इस कोरिलेशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा कि कोरिलेशन कितना ज्यादा है या कितना कम है, उस वैल्यू को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपका कोरिलेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना ज्यादा वीक है। आई होप सो आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन आ गई होगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम सिंबॉलिकली R से बताते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट इज सिंपली अ न्यूमेरिकल मेजर विच विल गिव अस आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट इज सिंपली अ न्यूमेरिकल मेजर विच विल गिव यू आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ टू वेरिएबल्स एंड देयर कोरिलेशन। आपके R की वैल्यू आपको याद रखना है स्टूडेंट, 1 मार्क आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, कि R वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी R की वैल्यू -1, 1 इन दोनों के बीच में हो सकती है, इससे 1 से ना तो ज़्यादा हो सकती है ना -1 से कम हो सकती है। हाँ जब वो 1 होगा उसे हम 1 यानी कि 0 से जब जब ज़्यादा आ रहेगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, 0 से जब जब लेस देन आएगा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स मेक श्योर कि आपका आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। अगर ये लिमिट के बाहर आपका आंसर आता है मीन्स आपने न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ गलती की है। तो ये थी पूरी थियरी चैप्टर की जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, पहले हमने कॉज इफेक्ट देखा, डायरेक्ट कॉज इफेक्ट, इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, उसके बाद हमने देखा कोरिलेशन क्या होता है, देन वी सॉ लीनियर कोरिलेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देन वी स्टडीड अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टूडेंट्स आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके अगले पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, व्हेन वी नीड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, पूरे चैप्टर की थियरी हमने अभी पढ़ी, अब न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें कोरिलेशन की स्ट्रेंथ ढूंढनी है। कोरिलेशन की स्ट्रेंथ यानी सभी न्यूमेरिकल्स में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढना है, R फाइंड आउट करना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढने के लिए टोटल 3 मेथड्स है आपकी बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर। पहली मेथड है वो है स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकेंड है कार्ल पियर्सन की मेथड जिसे कहते हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, और जो लास्ट है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। 3 मेथड से स्टूडेंट, तीनों 3 मेथड आपको हम सिखाएंगे। पहले आज के लेक्चर में हम समझ लेते हैं कार्ल पियर्सन की मेथड, कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R के बारे में बात करने वाला, या ये R जैसी कोई चीज होती है वो लाने वाला था, वो था कार्ल पियर्सन, और इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में कार्ल पियर्सन का सम प्रोबेबली 5 मार्क में आता है, तो एक 5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें कार्ल पियर्सन का न्यूमेरिकल और 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर स्पीयरमैन्स का न्यूमेरिकल आता है। हो सकता है वेटेज आगे पीछे भी हो, लेकिन अब तक जो पेपर होते आए हैं गुजरात बोर्ड के उसके अंदर कार्ल पियर्सन का फिक्स क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और स्पीयरमैन का क्वेश्चन 3 मार्क्स में होता है।
तो कार्ल पियर्सन की जो फॉर्मूला है, वैसे स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है, और फिर अगली जो दो फॉर्मूला है वो इसकी शॉर्टकट है। देर आर थ्री फॉर्मूलाज गिवन इन योर बुक टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कार्ल पियर्सन मेथड। पढ़ने के लिए हम तीनों फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम सिर्फ सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको न्यूमेरिकल में दो वेरिएबल्स दिए होंगे, x की कुछ वैल्यूज देके रखेंगे और y की कुछ वैल्यूज। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको x की कॉलम देके रखा होगा और y का। सो यू आर हैविंग वैल्यूज ऑफ x एंड यू आर हैविंग वैल्यूज ऑफ y। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, स्टूडेंट्स आपको मैं पहले आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है वो बता देता हूं, और हम क्या करने वाले वो मैं आपको बाद में बताता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है पहले x बार और y बार ढूंढो, पहले इनका एवरेज निकालो, x की वैल्यू का एवरेज निकालो, y की वैल्यू का एवरेज निकालो, और अगर वो एवरेज इंटीजर है, वो एवरेज कंप्लीट नंबर है, यानी आपने x बार की वैल्यू निकाली, मानो 20 आया, 25 आया, 50 आया, और y बार भी ऐसा ही कुछ आता है, यानी इंटीजर है, कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है, तो टेक्स्ट बुक कहती है ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्या है फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इनका मल्टीप्लीकेशन का सिग्मा, सिग्मा मीन सम करना, अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको लर्न रखनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्मूला बुक में दी हुई है। पहली जो मेन फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन की वो है r इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो ये थी पहली फॉर्मूला, जब जब आपके x बार और y बार इंटीजर में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर है। अब एक शॉर्टकट मेथड कि भाई अगर आपके x बार और y बार इंटीजर नहीं आते हैं, तो जब भी आपका x बार और y बार इंटीजर नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, तो यहां वैल्यू रखने पे सम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब भी x बार और y बार वो इंटीजर नहीं है, दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शनल आया, मान लो आपका x बार आया 25.5, तो अब जब 25.5 यहां पे पुट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये सारी वैल्यूज इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि न्यूमेरिकल का आंसर लाना बहुत टफ पड़ेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड ले आए, आपकी टेक्स्ट बुक ऐसा कहती है, व्हेनेवर द वैल्यूज ऑफ एक्स बार एंड वाई बार आर इन फ्रैक्शन, या तो आप इसको और भी कह सकते हो, या तो एक्स बार या तो वाई बार, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर वो फ्रैक्शन में आती है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि x और y इनकी जो वैल्यूज है वो छोटी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या है फॉर्मूला, r इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन में अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। ये सेकेंड फॉर्मूला है जिसको हम शॉर्टकट फॉर्मूला कहेंगे, इसी की फॉर्मूला में से ये डिराइव की गई है। ये कब अप्लाई करनी है, जब आपका जो x बार यानी x की वैल्यू का एवरेज और y की वैल्यू का एवरेज, दोनों में से कोई भी एक एवरेज अगर वो फ्रैक्शनल है और x और y की जितनी वैल्यूज है वो 40 से कम है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये है सेकेंड फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स आप आपकी स्क्रीन पे मोबाइल की देख सकते हो थर्ड फॉर्मूला भी सेम है, खाली जहां जहां x वहां वहां u और जहां जहां y वहां वहां v रख दो, आपके सारे वेरिएबल्स को एक्स वाई से यू में कन्वर्ट कर दो, तो थर्ड फॉर्मूला हो जाती है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम रीड करेंगे कि r इक्वल्स टू, थर्ड फॉर्मूला के बारे में मैं बात कर रहा हूं, n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस होल सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई वी का स्क्वायर, y के बदले क्या ले लेंगे हम, v, तो n सिग्मा v का स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। तो ये थी हमारी थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है, जब x और y इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है, और उनकी वैल्यू, थर्ड फॉर्मूला की मैं कंडीशन लिख देता हूं कि जब जब
x या तो y की वैल्यू 40 से ज्यादा है तो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ये कहानी आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सेकंड करो, थर्ड करो। वैसे स्टूडेंट्स आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, काल पियर्सन का न्यूमेरिकल है, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो इतना कोई पैनिक या टेंशन नहीं लेना है कि तीन तीन फॉर्मूला लर्न करनी है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर कितना इजी तरीके से आता है वो डिपेंड करेगा कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब जब जब हम पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, हम तो सिर्फ दो ही फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला नंबर वन तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूला 1, 2, 3 क्या कहती है टेक्स्ट बुक, पहले एक्स बार ढूंढो, वाई बार ढूंढो, फिर चेक करो वो इंटीजर है नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जैसे ही न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे सबसे पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यू देख लेनी है। जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, पहला स्टेप सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे और वाई की वैल्यू। अगर x और y दोनों की वैल्यू 40 से कम है, यानी x की जितनी भी वैल्यूज है उसमें कोई भी 40 से ज्यादा नहीं है और y की जितनी भी वैल्यूज है उसमें भी कोई 40 से ज्यादा नहीं है, तो सेकेंड वाली मेथड अप्लाई कर देंगे। और अगर उसके अंदर या तो x या तो y, मान लो x के अंदर सारी की सारी वैल्यूज 40 से कम है और y के अंदर कोई एक आध दो वैल्यू 40 से ज्यादा है, तो हम थर्ड वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम कहेंगे xy वाली फॉर्मूला, उसको हम कहेंगे uv वाली फॉर्मूला। तो ये कहानी थी पूरी कार्ल पियर्सन की मेथड के बारे में। तीन फॉर्मूलाज है, हम न्यूमेरिकल में दो ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ द वैल्यूज ऑफ x और y आर लेस देन 40 देन वी विल अप्लाई सेकेंड फॉर्मूला, एंड इफ द वैल्यूज ऑफ x और y आर ग्रेटर देन 40 देन वी विल अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला, दैट इज uv फॉर्मूला। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा होगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज वेल एज इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, अगर आप ये लॉकडाउन सिचुएशन में देख रहे हो तो ये बहुत नेसेसरी है कि आपके पास टेक्स्ट बुक हो। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करें स्टूडेंट, उससे पहले आई विल एडवाइज यू, पहला मेरा एडवाइस आपको होगा कि जो भी स्टेट पढ़ रहे हो आप न्यूमेरिकल्स के लिए मत पढ़ो, आप पहले उसकी थियरी को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और फिर न्यूमेरिकल्स करो, तो आपको उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस चैप्टर करने में और मजा आने वाली है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस बुक। इफ यू आर हैविंग, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है टेक्स्ट बुक की देन इट इज वेरी वेरी नाइस। इफ यू आर नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी हैविंग टेक्स्ट बुक, तो आप ऑनलाइन कहीं से भी पीडीएफ निकाल लीजिए। स्टेटिस्टिक्स का पार्ट टू तो गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पे पार्ट वन जब हम डाउनलोड करने जाते हैं स्टूडेंट क्रैश हो जाता है वो। तो पार्ट वन कहां से डाउनलोड करना, कई सारी वेबसाइट मैंने भी सर्च की लेकिन सभी जगह पे वो घुमा घुमा कर रहे, पार्ट वन डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। फॉर्चुनेटली मैंने एक ऐप ऐसा देखा है प्ले स्टोर में जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ऐसा कोई मैं ऐप की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उस ऐप के अंदर स्टेटिस्टिक्स की बुक का पार्ट वन पीडीएफ फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सेकेंडली ये पूरे लेक्चर की नोट्स बना लीजिए, एंड आई विल एडवाइज यू टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसकी और भी बहुत सारी थियरी टेक्स्ट बुक में डिटेल में है, तो वो आप पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। और थर्ड चीज जो हमारा अगला लेक्चर आए उससे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला के अंदर पहली फॉर्मूला जो है सेकंड नंबर की फॉर्मूला उसमें एक्स वाई और थर्ड फॉर्मूला में यू वी कब अप्लाई करनी है, कब आपको यू वी वाली फॉर्मूला लेनी है, कब एक्स वाई वाली फॉर्मूला लेनी है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड व्हेन एवर वी आर गोइंग टू मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, आपके पास आपकी नोटबुक, आपकी पेन, स्केल, कैलकुलेटर, विच एवर थिंग्स यू नीड यू शुड हैव विथ यू, तो हम साथ साथ में सारे सम्स कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स के साथ, और हमारे इस चैनल लेसन डायरी को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।